नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अनिल रमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनिल रमन विलेजर। देखिए दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर ये मेरा पहला वीडियो होगा और मैंने आपको ये समझाने का इसमें कोशिश किया है कि 200 चूजे के लिए अगर आप सेट बनाते हैं तो उसमें आपको कितना खर्च लगेगा। बिल्कुल मुझे जो लगा है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँगा। देख सकते हैं इस तरह हमने ये सेट बनाया है और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने खुद अपने हाथों से ये पूरा पूरी तैयार किया है। जो भी आप देख रहे हैं सामने, मैंने अपने हाथों से इसको तैयार किया है, इसमें कोई भी लेबर नहीं लगा है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं कि आपको जो सेट बनाना है, मैंने जो 200 का सेट बनाया है, सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि एक स्क्वायर फीट एक चूजे पे आपको देना पड़ेगा, मतलब 200 स्क्वायर फिट आपका इसके नीचे होना चाहिए। इसमें दोस्तों मेरा चूजा गिर चुका है, लेकिन आज हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे। देखिए हमने इसमें पूरा लिस्ट भी बना रखा है, तो आप इधर से देख पा रहे हैं। देखिए इसमें पॉलीथीन दिए हैं हम, और उसके बाद देखिए इसमें मच्छरदानी, हमने तार का यूज़ नहीं किया है, ये इस तरह का मच्छरदानी जो बाउंड्री घेरने के लिए काम आता है उसका हमने अभी फ़िलहाल यूज किया है, क्योंकि सस्ते में अच्छा काम करना है, सस्ते में ही हमें काम करना है ताकि इससे बेनिफिट लेने के बाद फिर हम बरियार काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे पहले इसमें जो हमने यूज़ किया है, ये देखिए ये खर है दोस्तों, हमारे यहाँ ये गंगा किनार में मिलता है, खर इसको कहते हैं। तो इसमें जो मैंने 200 स्क्वायर फिट का जो बनाया है, इसमें 4 बोझा इसमें लगा है और एक बोझा 100 रुपये का आता है दोस्तों। तो इसमें 400 रुपये इसका आप जोड़ सकते हैं खर का। उसके बाद बात आती है इसके नीचे, इसके नीचे हमने देखिए दोस्तों ये पॉलीथीन दिया हुआ है, पॉलीथीन, और एक दिमाग हमने लगाया है दोस्तों कि पॉलीथीन हमने इतना बड़ा दिया है कि यही पॉलीथीन अंदर भी है और यही पॉलीथीन, देखिए यही पॉलीथीन नीचे तक है दोस्तों। ये देखिए हमने यहाँ ताप के रखा है, यही पॉलीथीन नीचे तक, इसको दिन में मैं उठा देता हूँ ऊपर, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जैसा होता है वैसा मैं काम करता हूँ। और उसके नीचे हमने ये लगाया है, तो पॉलीथीन मैंने खैर बता दिया 4 बोझा 400 का, फिर पॉलीथीन जो हमने दिया है थोड़ा बड़ा, चारों तरफ हम पॉलीथीन से ही घेर दिए हैं, ढक दिए हैं, तो इसमें हमको 700 रुपये लगाया है दोस्तों, पॉलीथीन में 700। अब आते हैं हम इस तरह का जो मच्छरदानी आता है, इस तरह का मच्छरदानी हम इसमें जो दिए हैं, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इस तरह का जो मच्छरदानी है दोस्तों, इस तरह का, तो इसमें 50 मीटर का हम पॉलीथीन लाए हैं दोस्तों, ये 50 मीटर का सॉरी मच्छरदानी लाए हैं, जिसमें मुझे लगा है 50 मीटर में 750 रुपये, 50 मीटर में 750 रुपये लगा है। चलिए मैं आपको अब थोड़ा अंदर लिए जाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह का हमने इसमें गेट दिया है, देखिए दोस्तों मेरा यहाँ चूजा गिर चुका है, इसमें एक टेम्परेचर मीटर भी हमने रखा हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं अब दोस्तों, ये हमने खर का बात किया, इसके ऊपर पॉलीथीन दिया था, अब देखिए इसमें हमने ये दे रखा है कूट, कूट में ऐसे हम मुझे पैसे नहीं लगे क्योंकि मेरा दुकान है तो उसी से हमने दिया, लेकिन आप अगर इसको ख़रीदेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 150 से 200 रुपये आपको लगेंगे, तो वो आप जोड़ जोड़ लीजिए, 200 रुपये आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों ये बांस का, तो बांस देखिए दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5 6 बांस लगा है, 6 बांस लगा है, मतलब 6 का बस यहाँ से 12 फीट ही लगा है, 6 का 12 फीट लगा है। तो उसमें और जो एक्स्ट्रा बांस मेरा बचा वो देखिए इधर से भी लगा है 6 3 9, और एक जो है ये नीचे बल्ली हो गया, और बाकी जो बच गया वो उसका बत्ती हो गया दोस्तों, ये उसका ये बत्ती हो गया, मतलब टोटल 10। और 10 बांस का अगर हम हज़ार रुपया जोड़ लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये बांस हमारे इधर है, आपके उधर क्या है पता नहीं, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, 1000 रुपये बांस का हो गया दोस्तों, 200 चूजे के लिए ये बांस की बात हो गई। उसी बांस से मैंने इधर देखिए गेट भी हमने बना लिया है, एक बोरे का इसमें गेट उसमें ठोक के बना दिया है। और प्लस आती है बात, देखिए ब्रूडर हमने बनाया है, आज ही चूजा गिरा है दोस्तों, 2 तारीख को गिरने वाला था लेकिन आज चूजा गिरा है मेरा। देखिए ये हमने ब्रूडर बनाया है, वैसे तो
लोहे का जो बक्सा उक्सा बनता है दोस्तों, चदरा का, उसका होता है, लेकिन हमने इसी तरह कूट से ही हमने बना के नीचे पेपर पे रखा हुआ है। तो ब्रूडर की जहाँ तक बात करें बनाने में, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आया, लगभग 100 रुपये में आपका हो जाएगा, ये ब्रूडर तैयार हो जाएगा। प्लस अब लाइट बत्ती की हम बात करते हैं। देखिए हमने इसमें 3 बल्ब लगा रखा है और यहाँ देखिए बोर्ड लगा रखा है। तो बल्ब से और बोर्ड से लाइट देखिए चली गई दोस्तों। अब इसमें इसका व्यवस्था करना पड़ेगा अलग से, एलईडी लाइट का आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगा ये लोग। अब देखिए यहाँ पर ब्रूडर की बात करें तो 100 रुपये लगा, और बल्ब लाइट की बात करें तो 370 रुपये हमें टोटल में लगे हैं, बोर्ड से और इससे 370 रुपये टोटल लगे हैं दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं ड्रिंकर और फीडर की। तो ड्रिंकर और फीडर की हम बात करें तो देखिए इसमें हमने ड्रिंकर लगा रखा है, फीडर अभी इसमें हमने ला लिया है। तो ड्रिंकर और फीडर मतलब 200 चूजे के लिए लगभग 4 ड्रिंकर और 4 फीडर आपको लगेगा। तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 मतलब 600 रुपये आपको इधर हो गए। तो ये सब आपका ये हो गया दोस्तों। और अब हम बताते हैं कि आपको इसमें कितना अप कॉस्ट लगा। इसमें आपको टोटल 200 चूजे का बन के रेडी हो गया। तो 200 चूजे जो बन के रेडी हो गया दोस्तों, तो इसमें आपको लगता 3820 रुपये का इसमें लगा, और प्लस ड्रिंकर फीडर अगर आप जोड़ते हैं तो 3800 14 4400 लगभग 5000 में आपका 200 चूजे का कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो जाएगा। मेरा जो दोस्तों चूजा गिरा है, वो चूजा गिरा है 44 रुपये के दर से, एक चूजा का रेट लगा है 44 रुपये, उसके दर से मेरा चूजा ये गिरा है लगभग 9000 रुपये हमें लग गया, 8800 रुपये ऐसे। और फिर हमने जाके लाया है तो फिर गाड़ी खर्च किए वो, तो उसमें लगभग 9000 रुपये इसमें लग गए। तो 9, 5, 14000 अभी तक हमारा इसमें खर्च हो चुका है दोस्तों। फिर अभी 1800 का प्री स्टार्टर इसमें लगेगा, फीड इसको खिलाने के लिए दाना जो लगेगा, तो उसका 1800 रुपये और, मतलब 1500 15800, लगभग मान के चलिए 16000 अभी इसमें लगा, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन में मात्र 5000 रुपये खर्च होंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही सस्ता और अच्छा बिजनेस है। देखिए लाइट आ गया, शांत हो गया, सब शांत हो गया। बहुत सस्ता और अच्छा बिजनेस है पोल्ट्री फार्मिंग का। मात्र 200 चूजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूंजी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कम करेंगे ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे, ज़्यादा करेंगे कम बेनिफिट पाएंगे, कम करेंगे दोस्तों तो बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। इसलिए आप निश्चित होकर 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जिसको ज़्यादा अगर उसका पैकेट अलाउ करता है कि ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं, तो आप जितना बड़ा से बड़ा आप कंस्ट्रक्शन खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मुझ जैसे अगर आप गरीब किसान हैं, जिसको लगता है कि हाँ हम अपने खेत में, बाड़ी में, बगल में कहीं भी हम छोटा मोटा कर सकते हैं, तो दोस्तों इससे भी आप 6 से 8000 रुपये 10000 रुपये आप एक बार में आप कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे, बिल्कुल कि आपको वन डे से हम आपको वीडियो देंगे कि आज वन डे जो मेरा चूजा आया तो उसमें क्या क्या लगा, और फिर सेकेंड डे फिर क्या लगना है, ये मैं आपको बिल्कुल सीरीज बना के दे दूँगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो।